अब हम ये देखते हैं कि डिलीट कमांड क्या होती है। डिलीट कमांड आपकी रोज को डिलीट करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एग्जिस्टिंग रोज हैं, आप उनको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट कमांड को यूज करें। उसके लिए क्वेरी कैसे रन की जाती है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। पहले आप डिलीट फ्रॉम लिख के टेबल का नेम देते हैं, उसके बाद आप कंडीशन देते हैं जिस कंडीशन को आप डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट का डेटाबेस है, इसमें मैं डिलीट करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट के मार्क्स को जिनके मार्क्स लेस देन 33। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको माई एसक्यूएल वर्क बेंच में किस तरीके से यूज करते हैं। आईएसक्यूएल वर्क बेंच में यूज करने के लिए पहले हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं जी। सेट मार्क्स, स्टूडेंट टेबल में सेट मार्क्स कर दे इक्वल्स टू 30, वेयर रोल नंबर इक्वल्स 104। इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। एग्जीक्यूट करने पे ये एग्जीक्यूट हो गया है। अपडेट करने पे, एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे उसने 104 के 30 मार्क्स कर। अब यहाँ पे मैं क्वेरी रन करता हूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। डिलीट क्या करना है जी, वेयर मार्क्स लेस देन 33। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे हम देखते हैं जी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकॉलन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से। एग्जीक्यूट करने पे हमें ये शो हो रहा है यहाँ पे 101, 102, 103 एंड 105। जो मार्क्स हमने लेस देन 33 सेट किए थे, वो आपकी रो जो है वो डिलीट हो। तो ये वो मेथड है जिसके जरिए से आप डिलीट कमांड को यूज करते हैं अपने वैल्यूज को डिलीट करने के लिए।